आपने ऐसे प्रश्न देखे होंगे जिसमें अम्ल और पानी, उसके बाद दूध और पानी को इस अनुपात में मिलाते हैं, तो उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात जो है वो इतना हो जाए, या अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, और आइए इसी तरह के प्रश्नों पर आज हम बात करते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो 30 लीटर सोडे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है कि 2:3 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात जो है वो 2:5 हो जाए। आप देखिए ध्यान से कि 30 लीटर सोडे का अम्ल है, यानी कि टोटल मिश्रण जो है वो कितना दिया हुआ है, तो टोटल मिश्रण जो हमारे पास दे रखा है वो 30 लीटर दे रखा है, ठीक है। और टोटल 30 लीटर मिश्रण जब दे रखा है तो इसमें क्या बोला जा रहा है, दो चीज है, तो एक तो हमारे पास जो है वो अम्ल है, और दूसरा जो हमारे पास है यानी पानी यानी वाटर है, ठीक है। और इन दोनों को देखा गया कि स्टार्टिंग में 30 लीटर सोडे के अम्ल और पानी में, तो यानी कि एक डब्बा है इसमें 30 लीटर है, और 30 लीटर में अम्ल और पानी दोनों का इसमें मिश्रण है, ठीक है। और इसका जो अनुपात है, यानी कि इसमें जो है अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है, तो अगर हम अम्ल को 2 माने तो पानी का कितना हो जाएगा, यहाँ अनुपात 3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब बोला गया कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो अब हम जो यहां से देख रहे हैं कि जो डब्बे में है वो 2:3 के अनुपात में अम्ल और पानी है, अब हम इसमें क्या मिलाया जा रहा है, आपको इस बात पर फोकस करना है कि मिला क्या रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना है। तो इसमें बाद में जो मिलाया जा रहा है वो पानी मिलाया जा रहा है, कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें x पानी मिलाया जाएगा, ठीक है। जब इसमें x पानी मिलाया जाएगा तो कैसे होगा, तो इससे क्या होता है कि अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो चेंज कर जाता है, और वो कैसे चेंज कर जाता है, तो 2:5 किसमें, 5 में चेंज कर जाता है। इसका मतलब कि जैसे ही उसमें पानी मिलाया गया तो वो कैसे अनुपात में बदल गया, तो पहले 2:3 था अम्ल और पानी का अनुपात, जैसे ही हमने x लीटर इसमें पानी डाला तो ये बदल गया 2:5 के अनुपात में। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो स्ट्रक्चर है वो यही है, अब आपको इसके बाद क्या करना है उस बात को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखना है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया, और अगर पानी को मिलाया है तो हमने क्या किया है, अम्ल में कोई गड़बड़ी नहीं की है, यानी अम्ल जो था पहले जितना था अभी भी उतना ही होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या में अगर ये दोनों बराबर है तो कुछ नहीं करना, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो आपको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस मिश्रण में अम्ल तो मिलाया नहीं है, आपने मिलाया है पानी, तो अम्ल कैसे बदल जाएगा, तो अम्ल पहले भी 2 रहेगा और अम्ल जो होगा वो अब भी 2 ही रहेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कि 2:3 है, ये 2:5 हो गया, तो इसका अर्थ जो है अम्ल तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो पहले पानी कितना था, 3, तो अब जो पानी हो गया वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 हो गया, यानी कितने लीटर आपने, कितने यूनिट आपने पानी को एक्स्ट्रा बढ़ाया है, तो 2 यूनिट पानी जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा है। अब देखिए ध्यान से, 30 लीटर जो है स्टार्टिंग में अम्ल और पानी का जो था वो कितना था, टोटल मात्रा 30 लीटर, तो यहां से जोड़ते हैं 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 यूनिट का मान टोटल मिश्रण में 30 है, तो 1 यूनिट का मान जो बनेगा वो कितना बनेगा, 6। अब देखिए जब 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया है तो बहुत आराम से हम यहां दिखा सकते हैं कि हमने पानी मिलाया ही कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो आप क्या करेंगे, 6 × 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 लीटर, यानी कि इसमें हमने जो पानी की मात्रा मिलाई है वो जस्ट 12 लीटर पानी की मात्रा मिलाई है। बात आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलिए एक और सवाल इस पर लेते हैं ताकि आपको ये जो है बिल्कुल क्लियर सा लगे, ठीक है। आप देखेंगे यहां पे एक क्वेश्चन, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं देखते हैं यहां पे, तो एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। 20 लीटर मिश्रण में, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में है, अनुपात में है, इस मिश्रण में दूध की मात्रा
मात्रा कितनी मिलाई जाए, कितनी मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन है तो आप जल्दी से इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। 20 लीटर जो है वो टोटल मिश्रण है, यानी कि टोटल मिश्रण हमारा कितना है 20 लीटर। अब इसमें कौन कौन से चीजें हैं, तो मिल्क और वाटर है। कैसे है, तो 3:1 के अनुपात में ये चीज है। अब इसमें क्या मिलाया गया, इस मिश्रण में दूध की मात्रा मिलाई जानी है। तो इस बार दूध की मात्रा जब हम इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, वाटर सीमेंस सेम रहेगा और इसका जो अनुपात बदल के हो जाता है दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाता है। ठीक है, जब हमने 3:1 में एक्स लीटर यहाँ पे दूध इस बार मिलाया तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए कि दूध की कितनी मात्रा इसमें मिलाई गई है। आप ध्यान से देखेंगे तो 3 और 1 पूरा क्या है 4, तो 4 यूनिट का मान ही पूरा 20 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 5 लीटर। अब 1 यूनिट का मान अगर 5 लीटर आप यहां से निकाल लेते हैं तो आप देखिए कि इसमें कितना जो है वो दूध मिलाया गया। तो पहले दूध कितना था 3, क्योंकि यहां पर वाटर में हमने कुछ नहीं किया तो ये दोनों का अनुपात सेम रहेगा। तो अब जो है 3 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, +1 कर दिया गया, यानी 1 यूनिट हमने अगर मिलाया है तो 5 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 लीटर ही इस सवाल का जो होगा उत्तर होगा। तो आपको ये बातें जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो ठीक है, आगे हम लोग अगले सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों पर चलेंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप कीजिएगा, कोशिश करने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम इसी टाइप के अलग लेवल पर हम लोग सवाल करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।